नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पे कैसे स्टोरी रख सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप दोस्तों स्टेटस रखते हो, तो उसी तरह की फेसबुक पे स्टोरी होती है, वो आप कैसे रख सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने दोस्तों मेरा फेसबुक ओपन कर लिया है और आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊँगा स्टोरी कैसे रखते हो। मेरी पहले एक स्टोरी ऐड है, देख सकते हैं आप। मैंने स्टोरी रखा हूँ पहले, आपको एक स्टोरी रख के बता दो। देखिए दोस्तों, ऐड योर स्टोरी, यहाँ पे प्लस पे आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, अगर आपको स्टोरी अगर आपके टेक्स्ट में है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी स्टोरी वीडियो या फोटो में है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देखिए शेयर टू स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप कुछ लिख सकते हो। देखिए मैं नाम लिख देता हूँ, उसको आप कलर भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको वाइट ही कलर में मिलेगा। इसको आपको एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप इसको स्टिकर भी लगा सकते हो, बिल्कुल सेम है दोस्तों जैसे कि व्हाट्सअप में होता है। व्हाट्सअप से ज़्यादा स्टिकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए इस तरीके का स्टिकर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टिकर भी लगा सकते हो दोस्तों आप। और यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट दिए गए, यहाँ पे आप इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है जो कि यहाँ पे लगा सकते हो। इफेक्ट बहुत कुल दिए गए यहाँ पे। इफेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे आप फ्रेम भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों ये सारा होने के बाद आपको यहाँ पे शेयर टू स्टोरी वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओके दबा देना है। जो आपकी स्टोरी हो जाएगी दोस्तों वो शेयर हो जाएगी। अगर आपको कुछ वेट करना पड़ेगा 2 या 3 सेकंड के लिए तो आपकी स्टोरी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।